हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज मैं कुछ सुखाने के लिए धूप में फैलाई हूँ। लेकिन धूप तो 12 बजे तक किया, इसके बाद जो है कि बादल छा गया। तो दोस्तों, इस साइड अभी मैं छत पर से गई थी देखने के लिए, इस साइड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लग रहा है कि उधर बारिश हो रही है। और इधर तो अभी हल्का फुल्का धूप भी कर रहा है और कभी कभी बादल भी छा जा रहा है। तो इधर भी देखिए बादल घेरे हुए हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाएगी, पता नहीं। तो मैं आज बहुत सारा सामान यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे तरह तरह की दाल है, मूंग का दाल है, अरहर का दाल है और हल्दी है, और सारा सब इधर फैलाए हुए हैं सुखाने के लिए। क्योंकि घर में रखे रखे क्या होता है कि सब नमी पकड़ लेता है, और बरसात का मौसम रहता है तो बरसात में तो और ज़्यादा नमी हो जाता है। तो जब धूप करता है तो हम लोग फैला देते हैं सूखने के लिए। तो अभी देखिए, अभी हल्का हल्का धूप हो रहा है, तो आज मैं जो है कि ये सब फैलाई हूँ सूखने के लिए। ये देखिए, उधर भी दाल है, उधर भी दाल है, और इधर अरहर का दाल है, और ये जो देख रहे हैं चना का दाल है। ये सब दाल हम घर पर ही बनाए हुए हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर तो अरहर का दाल खाया जाता है और मिक्स दाल भी खाया जाता है। सब दाल, अरहर, चना, मटर और मूंग सब मिक्स करके जो है कि बनाया जाता है। तो चलिए, अब हम इन सभी को जो है कि रख लेते हैं, नहीं तो बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होगा तो भीग जाएगा, और इतना ढेर सारा दाल है तो पूरा उठा नहीं पाएंगे। अचानक से बारिश होने लगेगी तो नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए अभी से इसे भर लेते हैं। और उधर मम्मी भी आ गई हैं। दोस्तों, मैं सारा दाल गुलिया दी हूँ, और इधर देखिए मौसम का नज़ारा। ये देखिए, मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है। ख़राब होने से पहले मौसम में ये सब दाल जो है सब उठा लेती हूँ। अभी तो गुलिया कर खाली हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, धूप हो रही है, तो थोड़ा सा छाए में आ गई। और उधर मम्मी देखिए, चना का दाल जो है उसे भर रही हैं टिप में। तो चलिए फटाफट मैं भी भर देती हूँ। दोस्तों, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और मैंने जो डाले थे सुखाने के लिए वो सब हम रख दिए हैं अंदर। तो चलिए खेतों में देखते हैं क्या चीज़ तैयार है शाम को खाने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए। देखते हैं जो चीज़ तैयार होगी उसे ले लेते हैं, नहीं तो क्या हुआ कि बारिश होने लगी और मैं खेत में आ ही ना पाऊँ कुछ सब्जियाँ लेने के लिए। तो इधर दोस्तों, हमारे खेत में बहुत ढेर सारे मकई हैं जो कि तैयार हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं, मकई का ही आज कुछ नाश्ता बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मकई आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ये मकई तैयार हो गया है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया है, कितना छोटा सा, लेकिन इसमें दाना भी पड़ गया है। तो इसी तरह से देख देख के मैं मकई को तोड़ लेती हूँ, और आज मैं मकई से ही एक रेसिपी बनाती हूँ नाश्ते के लिए।
और सबको आज मज़ा आ जाएगा खाने में। तो चलिए फटाफट पहले मकई के ये जो बाल हैं यानी भुट्टे भुट्टे को तोड़ लेते हैं। दोस्तों आज के ज़रूरत भर का हम भुट्टा तोड़ लिए हैं। ये देखिए इतना ढेर सारा भुट्टा तोड़े हुए हैं और भी मेरे खेत में भुट्टा है लेकिन मुझे बस इतना ही की ज़रूरत है तो इतना मैं तोड़ ली हूँ। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नाश्ते में बनाते हैं नया। तो आप लोग भी खाने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए। अभी देखिए बादल भी गरज रहा है तो अगर बरसात होगा तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए इधर ढेर सारे भुट्टे लगे हुए हैं। अभी बज गए हैं शाम के 3 और मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने। तो अभी मैं आई हूँ बाहर, बाहर का मौसम काफी अच्छा है। बाबू बाय करो छोटी छोटी बाय करो। बाबू क्या खाएंगी आप, क्या खाएंगी बता दीजिए। चाची बनाएंगी। क्या खाओगी छोटी? चाउमीन खाओगी? बाबू को चाउमीन पसंद है इसलिए चाउमीन बोल रही है। बनेगा बनेगा, बाबू को चाउमीन भी बनेगा, बाबू को चाउमीन भी बनेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम ले लेते हैं करी पत्ता और मैंने अपने आंगन में करी पत्ता का पेड़ लगा रखा है तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मुझे कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैंने करी पत्ता ले लिया है। अब चलिए चलते हैं अपने किचन में और नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सब कुछ काट लिया है और जैसे ही काट के खाली हुई वैसे ही लाइट आ गई। तो चलिए अच्छा हुआ लाइट आ गई। और ये जो मकई का दाना मैं अलग की हूँ, चलिए इसे पीस लेती हूँ और इसे मैं ज्यादा महीन नहीं पीसूंगी, हल्का दरदरा ही पीसूंगी। तो ये देखिए थोड़ी सी मैं इसमें अदरक डालती हूँ और ये 2 कली लहसुन की और ये हरा मिर्ची और ये करी पत्ता स्वाद के लिए थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, इसे भी इसी में निकाल देते हैं। इसे दरदरा पीस लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पीसे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसालों का मटेरियल। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा कस कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से इसे डाल देते हैं। अजवाइन डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और अजवाइन हमारे सेहत के लिए फायदेमंद भी है। अजवाइन से क्या होता है कि पेट में पेट साफ होता है। अच्छा, हमको लगा पेट में गैस बनता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं ये जो है कि धनिया पाउडर है और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हल्दी, हल्दी से कलर थोड़ा सा आ जाएगा और साथ में नमक भी डाल देते हैं। नमक हम इसमें इतना डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, बस करें तो चटनी में भी नमक है ज्यादा हो जाएगा, कम रहेगा तो ऊपर से नमक छिड़क लेंगे काला नमक। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज कटा हुआ और इसी के साथ ये करी पत्ता भी डाल देते हैं। करी पत्ता से स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे और भी ज्यादा चटपटा करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। गर्म मसाला से इसका स्वाद जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो सभी मटेरियल हम डाल दिए हैं, अब चलिए इसे मिक्स करते हैं फटाफट और गर्मा गर्म इसे
छानते हैं और छानने के बाद इसे सबको परोसेंगे। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑन और इधर हम कढ़ाई भी रख देते हैं और इसमें हम सरसों का तेल भी डाल देते हैं। सरसों के तेल में पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो रिफाइंड तेल में भी लोग पकौड़ा छानते हैं लेकिन सरसों का तेल का जो स्वाद रहता है पकौड़े का उसका गजब ही होता है। तो इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है और इधर हम इसे मिक्स करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसे छानते हैं। इस तरह से छोटा छोटा इसमें पीस तोड़ेंगे। इधर जो हम पहले का डाले हुए हैं देखिए ये लाल हो गया है, इसे हम किनारे कर देते हैं इस तरह से और जो बाद में डाले हुए हैं इसे बीच में कर देते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया कलर आया है आपके पकौड़े का। ये देखिए मस्त है। तो इधर हमारा पकौड़ा बन चुका है। तो चलिए इसे चारों निकालते हैं और इसके आवाज से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कुरकुरा बना है ये पकौड़ा। बाहर इस पकौड़े का आनंद भी लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, पकौड़ा खाने वाले आ जाओ। छोटी मम्मी आओ, मम्मी आ जाइए। मनीषा किचन से पकौड़ा बन के आ गया है और सभी लोग इसके टेस्ट का आनंद लेंगे। इस जायके का आनंद लीजिए, जिसको इस जायके का आनंद लेना है आ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं तो पकौड़ा हो जाएगा ठंडा। ये देखिए दोस्तों, सबके लिए हमने पकौड़ा निकाल दिया है। तो सबसे पहले मम्मी को देते हैं चखने के लिए। मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा बना हुआ है पकौड़ा। लोकेशन मम्मी को दे दो। तो गर्मा गर्म ही पकौड़े का आनंद लेते हैं, नहीं तो हो जाएगा ठंडा तो मजा जाएगा बिगड़। टेस्ट करो मम्मी, कैसा है पकौड़ा? बहुत अच्छा, स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया बना है ना? बहुत बढ़िया है। लीजिए साजन, आप भी टेस्ट करिए। चटनी बहुत तीखा है। हाँ, मम्मी को थोड़ा सा कम तीखा पसंद है लेकिन मैं थोड़ा सा चटपटा चटनी बनाई हूँ। कितना मर्चा डाली थी आप चटनी में? इसमें 2 मर्चा डाले थे इसलिए ज्यादा तीखा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। ये मेरे लिए नहीं, ये भाभी के लिए है, हम आप तो इसी में खा लेंगे। अच्छा, हमको मिल पाएगा कि नहीं आप देख लीजिए एक बार। क्या बात करते हैं, खाइए पहले, आप ही खाइए। नहीं आप इसी खा में चटनी निकालते हैं। आप कब से बना रही हैं इतना? तेरे पापा ने खाया कि मेरा नहीं रख दिए हैं, भैया के लिए रखे हैं कटोरी में करके फिर ढक दिए। कैसा लग रहा है किशन? किशन आपको कैसा लग रहा है? हमको चटनी पकौड़ी दोनों अच्छा लगता है। दोनों अच्छा लग रहा है, पास हो गई लग रहा है। दो लोग बता दिए। मैं तो 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10? अरे यार, अब चलिए मैं भी टेस्ट करती हूँ। हम 10 में से ज्यादा हो मम्मी? खा जा मम्मी, खा जाइए। नहीं आप खा के देखिए, आप भी खाइए। आइए पहले आप, अच्छा लग रहा है।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आप भी टेस्ट करिए। क्या होगा मम्मी बुलाओ लाइए। अच्छा एक मैं भी टेस्ट करता हूँ। छोटी पाउडर से पोत कर। छोटी कहाँ से आ रही हो? आजा बाबू लो छोटी मम्मी को दे आओ। गिरा देगी गिरा देगी। गिरा दोगी? लीजिए भाभी टेस्ट करिए। छोटी तुम खाएगी नहीं? खाई पूरा पाउडर लगा ली। दोस्तों पकौड़ा बहुत ही अच्छा बना है, सब लोगों के मुंह से आप लोग सुन ही लिए हैं, तो मैं भी टेस्ट करके बता रही हूँ कि बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग भी इस पकौड़े का आनंद जरूर लीजिएगा, कभी ट्राई करिएगा। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो अब हम फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।